हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कूल जी। आई एम तोशीन, योर मैथ टीचर। तो आज हम क्या करने वाले हैं? मैम, मैथ्स टीचर हो तो मैथ्स ही पढ़ा होगे आप, तो है ना? तो यस, आपको आज मैथ्स ही पढ़ा जाएगा फिर से। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, रियल नंबर्स। आपको उसका बारे में सब नॉलेज है, सब तरह के क्वेश्चन जो कि आप उस क्वेश्चन में आ सकते हैं, उस चैप्टर से आ सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। और जो नहीं कर सकते वो आप मुझे बता दीजिए, हम साथ में मिलके करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज हम करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नेम क्या है? चैप्टर 2 है पॉलीनोमियल्स। क्या आप इसमें कुछ सिमिलैरिटी सी दिख रही है? अब मैम, चैप्टर 1 तो बहुत ही इजी था, चैप्टर 1 हमारा पहले भी आ चुका है, रियल नंबर हमने पहले भी पढ़ा था, तो पॉलीनोमियल्स भी तो पहले पढ़ चुके हो ना, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलीनोमियल्स क्या होता है। तो चलिए बताइए फटाफट से कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बिकॉज ये आप पहले पढ़ चुके हो, तो मैं थोड़ा सा क्या करूंगी, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा हम लोग सब सीखते रहेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? देखिए, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो सकते हैं, जो आपके वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, और क्या है, सेम भी हो सकते हैं। अगर वो सेम हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या नेम दे देते हैं, एक नेम दे देते हैं, लाइक p ऑफ x, है ना? याद करो, रिकॉल करो। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम राइटिंग इट लाइक x स्क्वायर प्लस 1, मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, पूरा का पूरा x में ही है, कोई और वेरिएबल इसमें यूज नहीं हो रहा है, तो मैंने इसे नाम दे दिया था p ऑफ x, याद है? चलो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? हमने पढ़ी थी क्या, पॉलिनोमियल की टाइप्स पढ़ी थी, कि पॉलिनोमियल्स की टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस बेसिस पे होती हैं। चलिए देखिए, हमारे पास होते हैं पॉलिनोमियल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन टू बेसिस, टू ग्राउंड्स पे हम इनको क्या है, कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट ग्राउंड वॉज, क्या था पहला ग्राउंड, दैट वॉज नंबर ऑफ द टर्म्स, यस, नंबर ऑफ द टर्म्स। सेकेंड ग्राउंड वॉज, सेकेंड पे क्या था, हमने पढ़ा था डिग्री, राइट? अब टर्म्स के बेसिस पे हमने पढ़ा था, अगर सिर्फ एक ही टर्म है तो उसे हम क्या कह देते थे, मोनोमियल, राइट? अगर दो टर्म्स हैं तो उसे हम कह देते हैं बाइनोमियल, अगर थ्री टर्म्स हैं तो उसे हम कह देते हैं ट्राइनोमियल। बट बच्चे ये ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं, जनरली हर किसी को पॉलिनोमियल ही कह देते हैं, जब बार बार हम लोग नहीं मेंशन करते कि ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। जनरली अगर किसी के अंदर भी आपके पास क्या है, कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता है, उसे हम पॉलिनोमियल ही बुलाते हैं। जैसे कि आपको ये कह दिया एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस में 1, राइट, 5x प्लस 3, तो ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल ही है, जस्ट क्या है, एक्सप्रेशन ही तो है ना, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिग्री के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे क्या पढ़ा था हमने, कि अगर डिग्री क्या होती है मैम, आपने डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कराया, लेकिन डिग्री तो याद ही नहीं है मैम। डिग्री बेटा याद करो, डिग्री होती है क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, राइट? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, राइट? क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, डिग्री के बेसिस पर किस तरीके से इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपके पास लीनियर। लीनियर का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो, 1। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 3, y प्लस 1, y माइनस 5, t प्लस 16, सारे के सारे कैसे एग्जांपल थे मैंने जो बताया आपको, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपके पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना हो जाए, 2, राइट? यानी डिग्री कितना है, 2। अगर 3 हो जाए तो क्यूबिक, 3 हो जाए तो क्यूबिक, सिंपल। क्लियर है इतना? समझ में आया कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि किससे बना है, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल से मिलकर के बना है, और पॉलिनोमियल्स को हम टू बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है टर्म्स के बेसिस पर, जो कि है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सेकंड आता है डिग्री के बेसिस पर, जो कि है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्सेप्ट क्या, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से पहले आप ये समझिए
कि हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल एट अ पर्टिकुलर वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 5, राइट? तो हम क्या करते थे, हमने लिखा था p ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. जहां जहां पर x था वहां वहां पर क्या रख दिया, 5 रख दिया. तो 5 स्क्वायर प्लस 1, राइट? ये कितना हो गया, 25 प्लस 1 विल गिव यू 26. क्लियर है इतना? नाउ आपने फिर समझा इसी से कि जिस वैल्यू को पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है. वो वैल्यू को ही हम क्या कह देते हैं, जीरोस कह देते हैं. क्या कह देते हैं, जीरोस. बिल्कुल सही. तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया आपको. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो. इजी, वेरी इजी. नाउ एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि ये तो आपने समझ लिया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं. ये क्या होते हैं मैम, ये तो वैल्यूज होती है वेरिएबल की, जिसमें हमने क्या कर दिया, अगर पुट कर दिया तो जीरो आ जाए. ठीक है, अब 10th स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंट आया, 10th स्टैंडर्ड में आया आपके पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग. क्या आया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग. अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, राइट? ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है बेटा कि अगर मैं क्या करूं, इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं ज्योमेट्रिकल मींस की हेल्प से, तो जीरोस का मतलब क्या होता है. ठीक है, उसके पहले मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ द जीरोस क्या डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. यस, होते हैं. हमने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ द जीरोस जो होते हैं वो डिग्री के इक्वल होते हैं. नंबर ऑफ द जीरोस जो है वो किसके बराबर है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. यानी जितनी डिग्री उतने ही जीरोस. यानी लीनियर पॉलिनोमियल के पास क्या है, 1 0, क्वाड्रेटिक के पास 2 एंड क्यूबिक के पास 3. समझ में आया? ठीक है, अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे. अब मुझे ये बताइए लीनियर पॉलिनोमियल किस तरीके से दिखता है. लीनियर पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से दिखता है, दैट इज 5x + 3, राइट? एंड इफ आई पुट इट इक्वल्स टू y, 5x + 3, मैंने क्या किया, इसे y के इक्वल पुट कर दिया. ठीक है, नाउ जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे हमें y की वैल्यूज मिल जाएंगी. तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, कुछ पेयर्स आ जाएंगे कि x की ये वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू है, x की इस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू है ना. तो चलिए कुछ पेयर्स मैं आपको बना के दिखाती हूँ. मैंने लिखा यहाँ पर x को जीरो पुट किया तो क्या आया, 5 × 0 + 3, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 0 + 3 = 0. तो मैंने कुछ इस तरीके से पॉइंट लिख दिया. नाउ अगर सेकेंड पॉइंट यानी अगर 1 रख दिया जाए तो 1 रखने के बाद y की क्या वैल्यू आती है, 8. सिंपल है, दैट इज 5.1 + 3, 5 × 1 = 5 एंड 3, तो 8 आ गया, राइट? अब देखिए हम क्या है, ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं. ग्राफ कैसे मिलते हैं, ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो कि क्या होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज. सिंपल. और एक्स और वाई क्या है हमारे पास, जब हमारे पास कोई प्लेन सिस्टम 2 क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन की हेल्प से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है इंटू 4 पार्ट, उसे ही हम क्या कह देते हैं, हमारा कार्टेशियन सिस्टम. याद है थोड़ा सा, चलिए वापस आते हैं. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट करते हैं. अगर 0 और 3, बताइए ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा मैम y एक्सिस पर, क्योंकि y एक्सिस ही ऐसी लाइन है जहां पर x हमेशा 0 होगा, राइट? मैं थोड़ा मार्किंग कर देती हूँ साथ साथ. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6, राइट? नाउ y के लिए भी सेम आपने क्या करना है, इक्वल स्पेसिंग यूज करना है, 1 2 3 4 5. एंड इफ आई गो हायर तो हमें, क्योंकि हमें 8 को भी प्लॉट करना है ना, इफ आई गो हायर तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस इज 3 4 5 एंड दिस इज 6 7 एंड 8. सपोज करते हैं यहाँ पर 8 है, ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस है. क्लियर है इतना?
ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा आप अपने जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई वॉज हैविंग लेस स्पेस, मेरे पास यहाँ बोर्ड पे थोड़ा कम स्पेस है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से प्लॉट करा है, थोड़ा स्पेसिंग में इश्यूज हो सकते हैं। चलिए प्लॉट करते हैं। 1.8, 1.8 विल बी हेयर राइट, एंड 0.3 कहाँ होगा, 0.3 होगा यहाँ पर, 1, 2, 3। तो दिस पॉइंट विल बी 0.3 और मैंने इसे नेम दे दिया ए, और ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1.8। आपको ध्यान है बच्चे, हम कोऑर्डिनेट्स को हम या ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, याद है ना? चलिए, याद नहीं है अगर तो मैं करवा देती हूँ याद, क्योंकि हम क्या करते हैं, वी यूज अ स्पेशल मेथड जो कि क्या कहता है, फर्स्ट आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ किया, जहां पर ये दोनों क्या है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, उसे हमने ओ नाम दे दिया। ओ मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर एक्स एंड वाई दोनों ही क्या है, जीरोज है, दोनों ही क्या, जीरोज है, राइट। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर इक्वल स्पेसिंग में हमने मार्क किया, और हर एक मार्क को क्या कर दिया, हमने नेमिंग कर दिया। नेमिंग कैसे किया, हमने उसे नंबर्स असाइन कर दिए, हमने नंबर्स असाइन किया, और नंबर्स कहां लिखे, डाउनवर्ड्स, यानी एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड्स हमने क्या है, नंबर्स लिख दिए, राइट। नाउ जब वाई एक्सिस में नंबरिंग की बारी आई तो कहां आया, टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, जैसे मैंने यहां लिखा है, ठीक है। दिस वॉज द ब्रीफ कि हम कैसे अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नाउ जब मैंने इसे ड्रॉ किया बेटा, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो मुझे क्या मिला, इज इट अ स्ट्रेट लाइन, यस आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन जिसे मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सटेंड कर सकती हूँ, ठीक है, मैं अपना एक स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर सकती हूँ। बिकॉज आपको पता है क्या, कि जो लाइंस होती हैं उन्हें हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, टू द बोथ एक्सटेंड, है ना, दोनों एंड्स पर हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली। नाउ अब देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, या यहाँ पर क्या है, ग्राफ जो एक्स एक्सिस को है वो कितनी बार कट कर रहा है, मैम जस्ट वन पॉइंट, उसके बाद तो ये नीचे एक्सटेंड होता रहेगा, यहाँ से ऊपर एक्सटेंड होता रहेगा, बट वाई एक्सिस को तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो वाई एक्सिस को कितने टाइम्स इसने कट किया, वन टाइम कट किया, तो यही मतलब होता है किसका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस बेटा, नोट इट डाउन, क्या होते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, राइट। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट कर रहा है कैसे। अब देखिए, यहां पर भी हम बिना कैलकुलेशन करें निकाल सकते हैं कि कितनी बार कट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लीनियर पॉलिनोमियल के पास क्या है, 1, 0 होता है, तो वो कितनी टाइम्स कट करेगा, 1, अभी हमने देखा भी, राइट। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, इसके पास बिकॉज 2 क्या है, डिग्री है, तो 2 ही जीरोस है, तो ये एक्स एक्सिस को कैसे कट करेगा, इन 2 प्लेसेस या इन 2 पॉइंट्स, एट 2 पॉइंट्स। क्यूबिक कैसे कट करेगा, क्यूबिक जो है वो कट करेगा एट 3 पॉइंट्स। इजी, समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आएगा, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया आपको, जीरोज का क्या होता है, कि कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हो आपको गिवन है, तो वो क्या है, कितने टाइम इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, है ना। अभी मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया, राइट, और ये भी बताया कि नंबर ऑफ द जीरोज किसके बराबर होते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना बच्चे, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, चाहिए तो आप इसको क्या है, नोट कर सकते हैं, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, या अगर मैं इक्वेशन की भी बात करती हूँ, तो लीनियर पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, एंड कंट्रारी
टू इट कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या बनाता है, इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ये आप क्या है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि पैराबोला क्या होता है, बट हाँ शेप समझ सकते हो। शेप मैंने आपको ऐसा ड्रॉ करके दिखाया है, यहाँ पर आपके पास ये जो दिख रही है आपको की स्क्रीन पर, मैंने आपको काफी सारे ग्राफ्स ड्रॉ करके दिए हुए हैं, तो ये जो शेप्स है ना बेटा, इस शेप को कहा जाता है क्या, पैराबोला। ठीक है, और ये वाला जो शेप है ये पर्टिकुलर ग्राफ है किसका, कोई भी कर्व हो सकता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में गिवन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है। टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस से क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको क्या है ग्राफ दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पता है कि नंबर ऑफ द जीरोस कैसे निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। सिंपल, चलिए वन से स्टार्ट करते हैं। यहां पर मुझे बताइए कि ये जो ग्राफ है इसके अंदर एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बार है, दैट मीन्स दिस पॉइंट ओनली, राइट, यानी इसी पॉइंट पर क्या है हमारा ग्राफ टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दिस हैज ओनली वन जीरो। क्लियर, आंसर आ गया, सो इजी। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकंड देखिए, मैंने आपको बताया कि कितने टाइम इंटरसेक्ट करना चाहिए, वही हमारा नंबर ऑफ द जीरोस है। इन सभी ग्राफ्स में जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इनमें आपने नंबर ऑफ द जीरोस ही निकालना है। चलिए यहां पर आते हैं, यहां पर एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है ये ग्राफ, कितने टाइम्स, ये टू टाइम्स कट कर रहा है, तो दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल हैज टू जीरोस। समझ आया, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ये कितने टाइम्स कट कर रहा है, ओनली वन टाइम, यही टचिंग पॉइंट है इसका, कट भी नहीं कर रहा, सिर्फ इसको टच कर रहा है। अगर टच भी कर रहा है तो वो इंटरसेक्शन में ही आएगा, जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन का मतलब है कि उसको ऐसे पूरा क्रॉस करें। ठीक है, समझ में आया, अगर टच भी कर रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू और इस ग्राफ की वैल्यू सेम होगी, इसके अंदर भी ग्राफ के अंदर भी तो होगा ना एक्स, तभी तो हम इसको यहां पर लेकर आए, राइट, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, वन, और नंबर ऑफ द जीरोस वन ओनली। नाउ यहां पर देखिए, इतना ही ग्राफ है, यहां पर ये मत सोचिएगा कि हम इसको क्या है आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। मैम द गिवन ग्राफ राइट नाउ, इसको हमने ड्रॉ किया हुआ है ना, इसको जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसमें तो इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा एक्स एक्सिस का और ग्राफ का, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट हैज नो जीरो, इसके पास कोई जीरोस नहीं है। नेक्स्ट आइए, यहां पर देखिए कितने टाइम्स इंटरसेक्शन हो रहा है, लेट्स चेक, एक यहां हो रहा है, एक यहां, एक यहां, और एक यहां, और एक यहां, अरे बाप रे यहां तो बहुत सारे हो गए, चलिए 1 2 3 4 5, यानी इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस हैं, 5 जीरोस हैं। क्या मुझे डिग्री बता सकते हैं, यस, इसके पास डेफिनेटली 5 डिग्री होगी, समझ में आया। ठीक है, अब यहां पर आप कहोगे मैम यहां तो नो जीरो है, तो इसका मतलब जीरो उसके नहीं है, तो इसका मतलब डिग्री भी नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है, डिग्रीज होगी बट इस पर्टिकुलर केस में नहीं है, जब हम इसे क्या है आगे एक्सटेंड कर देंगे तब तो जीरो हो जाएगा, राइट, ये आप क्या है पैराबोला की शेप है, अभी मैंने आपको बताया था, और जो पैराबोला का कॉन्सेप्ट है वो हम क्या है 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास 2.1 यानी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 1 में आपको किस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्लस या आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। समझ में आया, एंड आई होप आपको क्या है अब इजीली क्वेश्चन सारे के सारे समझ में भी आएंगे और आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, और बने रहिए स्कूल जी पर, थैंक यू।